मौसम विभाग की चेतावनी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ ही मौसम का मिजाज भी थोड़ा बदल रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज गरज चमक के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी होगी। तो वहीं आज भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने व हल्की वर्षा के आसार बताए गए हैं। तो दोस्तों, गुरुवार की अगर बात करें तो प्रदेश भर में दोपहर की तपिश बनी रही। हालांकि शाम के वक्त मौसम का मिजाज थोड़ा बदला। प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में अंधड़ चलने के साथ ही हल्की वर्षा भी हुई। तो राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। और वहीं प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान ARG मुंगेली का 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बारिश व अंधड़ के साथ ही अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही गर्मी भी बढ़ेगी और मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं है। तो कल इन क्षेत्रों में हुई बारिश। देवभोग भैया थाना ओडगी में 3 सेंटीमीटर और जसपुर नगर में 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अन्य कुछ क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा हुई है और आज प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा और अंधड़ चढ़ने के भी आसार बताए गए हैं। अगर बात करें सिस्टम की फ्रेंड्स, तो मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया है कि प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में उत्तर से गर्म और शुष्क हवा और दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण से अपेक्षाकृत ठंडी और नमी युक्त हवा आ रही है। इसी के प्रभाव से ही आज भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको बताया कि आज कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, तो ऐसे में आप सभी अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कल ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने के कारण से सुकमा जिले में एक बच्ची का निधन हो गया। तो ऐसे में फ्रेंड आप सभी सावधान रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।